आज हम पैंट प्लाजो सिलने जा रहे हैं। हमने पैंट की कटिंग कर रखी है। ये हमारे आगे के पीस हैं, ये प्लेन, ये हमारे पीछे के पीस हैं। आगे तो बेल्ट और पीछे इलास्टिक लगाएंगे। सबसे पहले हम आसन की सिलाई लगाएंगे। ये हम आसन की सिलाई लगाएंगे। हमने डबल सिलाई कर दी है और हम इसकी पॉकेट लगाएंगे। हमने ये पॉकेट का 2 इंच और 7 इंच नीचा निशान लगाया हुआ है, 2 और 7 इंच। हमने पॉकेट का कपड़ा लिया है, इसको ऐसे रख के इस पे सिलाई लगाएंगे। ये 7 इंच से हमने कट तक सिलाई लगा दी। अब हम एक पैर का रख के आगे बाकी की कटिंग कर देते हैं। कपड़े की हमने कटिंग कर दी है। अब इस पर हम छोटे छोटे कट के निशान लगा देते हैं। अब हम जो पॉकेट बनाई है उसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। अब एक पैर की कपड़ा छोड़ के एक पैर का, तो यहाँ पे ये हमें सिलाई लगा। नीचे की सिलाई लगाएंगे पॉकेट की। इसको सीधी करके दोबारा सिलाई लगाएंगे। ये हमारी ये नीचे की सिलाइयाँ लग गई हैं। अब इसकी 7 की बराबर की ये सिलाई लगा। थोड़ा सा ऊपर करके इसको यहाँ से हम पक्का कर देते हैं।
टाई लगाएंगे बिल्कुल, क्योंकि हमने प्लेट डालनी है हमारे यहाँ पे, ये बटन है प्लेट का। ये हमारी पॉकेट तैयार हो गई, अब हम इसमें प्लेट डालें। ये हमने आधा इंच और 3.5 इंच नीचे प्लेट का निशान लगाया है। ये हमारी प्लेट डल गई है, अब हम इसके ऊपर बेल्ट लगाएंगे। ये हमने इसकी बेल्ट ली है, इसके ऊपर हमने ये पेस्टिंग चिपका ली है। इसकी कमर 40 इंच है, हमने इसकी बेल्ट ली है 19 इंच, 1 इंच कमर से कम ही लेते हैं प्लेट बेल्ट, इसलिए हमने ये 19 इंच लिया। ये हमने नीचे पैंट हमारी और ऊपर ये बेल्ट रख रही है। ये इसके ऊपर सिलाई लगा रहे हैं, हमारी पेस्टिंग पे सिलाई नहीं होनी चाहिए, पेस्टिंग से नीचे सिलाई लगेगी। एक प्लेट का इधर मुंह था तो दूसरी प्लेट का इस तरफ करना है। ये हमारी बेल्ट, हम अब हम पीछे की सिलाई लगाएंगे बैक की आसन की पीछे पीस की। पीछे वाली सिलाई आसन की सिलाई वाली है, अब इसके ऊपर आगे वाला पीस रखेंगे, ये वाला, और नीचे से सिलाई लगाएंगे। ये हमारे नीचे से थोड़ा टेढ़ा होता है, इसी वजह से
ये हमने रेड रोइंग के ऊपर सिलाई नहीं लगानी, इसलिए हमने छोटा लगा, इधर सिलाई लगेगी। अब हम दूसरी तरफ से सिलाई कर रहे हैं, ये ऐसे। पॉकेट के पास हमने डबल सिलाई लगानी है, पका कर देंगे। तिरछा करना है, नीचे की सिलाई लगानी है। ये हमारी आसन की सिलाई ऊपर नीचे होनी चाहिए, बिल्कुल जोड़ के ऊपर जोड़ मिलना चाहिए। नीचे की सिलाई लग गई है। अब हम आपको इलास्टिक डंडा बताएंगे बेल्ट का। अब हम इस पर इलास्टिक की सिलाई लगाएंगे, इलास्टिक के ऊपर टेट्रोन के ऊपर इलास्टिक रखेंगे और ऐसे इसके ऊपर डबल सिलाई वाली। अब हम ऐसे इसको मोड़,
ऐसे मोड़ते जाएंगे। इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल इलास्टिक के साथ। हमेशा जोड़ के ऊपर जोड़ मिलना चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए, जो हमारा बिल्कुल जोड़ के ऊपर जोड़ है। जब हमारा थोड़ा सा रह जाए ना, तो हमने इसको इलास्टिक को खींचना है। जितने इंच का हमें इलास्टिक डालना है, उतना इसको खींच के छोटा करना है। हमने 14 इंच का इलास्टिक डालना है। इसकी यहाँ से हमने अब कटिंग करके पहले इसको जोड़ लगाना है, इसके ऊपर रख के खींच के इसको लाइन बनाएंगे। ये हमारी बेल्ट आ गई है। हम इसके ऊपर बिल्कुल ही सारे से बेल्ट के ऊपर सिलाई लगा रहे हैं, बिल्कुल साफ साफ में। ये बिल्कुल बेल्ट है। Thank you.
ये देखते हैं हमारी बेल्ट कच्ची है, ये हमारा इलास्टिक लगा। अब हम इसे अच्छे से खींच के इसके ऊपर सिलाई लगानी है। इलास्टिक बन गया। अब हम नीचे से मोड़ी मोड़ेंगे। पहले हम दोनों मोरियों को ऐसे निशान लगाएंगे, दोनों में कितनी रखना है। हमने ढाई ढाई इंच की मोड़ाई का निशान लगा रखा है। ऐसे हमने दोनों एक साइज की मोड़ी है, ये ऐसे मिला के देखनी होती है। ऐसे और अब हम इन पे निशान लगाने हैं, यहाँ पे और यहाँ पे। हमारा उससे ज़्यादा नहीं मुड़ना चाहिए, बराबर कपड़ा मुड़ना चाहिए, बराबर इधर से, बराबर इधर से, दोनों साइड से बराबर लेना है। अब हमने इस पे निशान लगाने हैं, ये इधर से ऐसे लगा दिए हैं और बीच में भी लगा दिए हैं, क्योंकि हमारा बराबर बराबर मिलना चाहिए, कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, हमें निशान से पता चलता रहेगा। तो ये हमने ये निशान लगा दिए हैं। अब इसको हम पहले सिलाई आसन की तरफ से लगाएंगे, जो ये नीचे के आसन की है ना, वहाँ से मोड़ना चालू करेंगे। इस निशान से पता चलता रहेगा बीच में है बिल्कुल निशान। ये हमारा निशान है बिल्कुल। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से, ना ही बड़ा हुआ है ना ही छोटा हुआ है, बिल्कुल जोड़ से जोड़ मिलाना चाहिए। ये कितनी अच्छी तरह से हमारी मोड़ी मुड़ गई है। ये हमारी पैंट की मोड़ी मुड़ गई है। हम दूसरी ओर ऐसे मिला के देखनी है।
हमारी पैंट सिल के तैयार हो गई है। ये हमारी बेल्ट है और इस पीछे इसके इलास्टिक है। ये हमारी 38 इंच की पैंट है, ये बिल्कुल सही तैयार हुई है।